हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है एम्पियर की जील और ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी प्राइसिंग जो है वो शुरू होती है ₹67,000 से लेके और ये हुआ है आफ्टर दिस स्कूटर हैज़ गॉट द फेम टू सब्सिडी। तो इसके पहले इसकी प्राइसिंग जो थी वो 70,000 के ऊपर की थी। अब अगर आप प्राइसिंग कंसिडर करोगे तो ये लगभग सेम कॉस्ट करती है कम्पेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल पेट्रोल पावर स्कूटर। इस वीडियो में बात करेंगे कैसी दिखती है ये, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और कितनी आसान है जब आप इस स्कूटर पर बैठोगे और इसे मूव करना चाहते हो। दिस इज एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, दिस इज द एम्पियर जील ईवी। तो सबसे पहले जब आप इस स्कूटर को सामने से देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये फेम इंडिया का बैज, क्योंकि अभी इस स्कूटर को सब्सिडी मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पे हैंडल बार पे दिखेगा दो टर्न इंडिकेटर्स, इधर साइड पे टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं और यहाँ पे मॉक लैंप्स दिए गए हैं। इनका कोई भी यूज़ नहीं है, दीज आर जस्ट हेयर फॉर शो और काफ़ी टैकी दिखते हैं ये, मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। नीचे जब आप देखोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड टिपिकल स्कूटर वाला फ्रंट एप्रन मिलता है। ये इसका रेड कलर्ड ऑप्शन है, रेड एंड ब्लैक की आप देख सकते हो किस तरीके से बॉडी पे आपको पेंट ऑप्शन दिए गए हैं। एम्पियर की ब्रांडिंग ओवर हियर और नंबर प्लेट काफ़ी अच्छे से एक्चुअली यहाँ पे इसे माउंट किया है इन्होंने एंड इट लुक्स क्वाइट नाइस। नहीं तो यहाँ पे हैंडल बार पे अगर कोई बोल्ट हो या यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा एक ब्रैकेट बाहर आता है तो वो काफ़ी अगली दिखता है। दिस लुक्स क्वाइट डिसेंटली डन। नीचे जब आप देखोगे ऑन दिस एम्पियर जील ईवी आपको LED DRLs मिलते हैं। सो चेक दिस आउट, जब आप स्कूटर शुरू करोगे दीज आर योर LED DRLs। लेकिन जो हेडलैम्प है, मेन बल्ब जो है वो एक हेलोजन बल्ब ही है, येलो बल्ब ही है, उसमें आपको कोई भी LED नहीं दिया गया। नीचे आप देखोगे हार्मोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, इसका मतलब है कॉम्बी ब्रेक्स जो आपको इस स्कूटर पर मिलते हैं। डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो देर इज नो डिस्क ब्रेक सेटअप ऑन दिस एम्पियर जील। दो केबल्स आप इसीलिए देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेक्स मिल रहा है, सो इट इज गोइंग टू ऑपरेट इवन इफ आप सिर्फ इस स्कूटर का रेयर ब्रेक जो है वो अप्लाई करते हो। आफ्टर दैट लुकिंग एट द फ्रंट एंड, इट इज टिपिकल ऑफ अ स्कूटर। ये जो है बिल्कुल छोटी ईवी आपको नहीं फील होगी, इट लुक्स क्वाइट डिसेंट। तो साइज एंड स्केल में आपको ये ज्यादा पुअर परफॉर्मिंग स्कूटर नहीं फील होने वाली है जब आप इसे देखोगे। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, आप देखोगे कि पीछे की तरफ आपको मैक्सिमम ब्लैक्ड आउट इफेक्ट मिलता है इस कलर ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से आपको जील की स्टिकरिंग दी गई है, यू हैव दिस एडवांस्ड रीजनरेटिव पावर ट्रेन स्टिकर ओवर हियर। इसमें आपको ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन मिलता है, तो जब भी आप ये स्कूटर चला रहे हो और जब आप ब्रेक्स यूज करते हो, बैटरी जो है, जो एनर्जी लॉस है वो चार्ज में कन्वर्ट होकर बैटरी में स्टोर हो जाता है, जस्ट सो दैट आपको उतना एक्स्ट्रा राइडिंग रेंज मिल सके। दिस इज हाउ द स्कूटर लुक्स ऑन द रेयर एंड। सीट जो है आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट है इन साइज एंड स्केल, इसमें आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इट इज़ नाइस एंड सॉफ्ट ऑल्सो, तो राइडर के लिए देर इज वेरी गुड रूम, काफ़ी अच्छे से कर्व्ड भी है, तो आपको कम्फर्ट काफ़ी डिसेंट मिलेगा जब आप इस स्कूटर पर बैठोगे। देन वेन यू लुक एट द पिलियन एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पियर की ब्रांडिंग दी गई है ऑन दिस सीट, द पिलियन सीट। और ये आप देख सकते हो सीट का जो टेक्स्चर है और ये जो सीट पे जो कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है, देर इज अ टू टोन थीम ओवर हियर एज वेल। ये भी ट्राई करता है दैट यू गेट अ प्रीमियम स्कूटर फीलिंग फ्रॉम दिस एम्पियर जील। पिलियन को ग्रैप करने के लिए यहाँ पे ग्रैप बार दिया गया है, दिस ब्लैक थिंग विच यू सी ओवर हियर, और उसके अलावा ऑब्वियसली एक पूरी तरीके से सराउंड ग्रैब रेल भी दी गई है, विच इज गोइंग टू कम इन वेरी हैंडी जब आप इस स्कूटर पर राइड के लिए निकल जाते हो विद अ पिलियन। पीछे की तरफ जब आप एम्पियर जील को आके देखोगे, यू डू नॉट गेट एनी LED टेल लैम्प, दिस इज अ स्टैंडर्ड बल्ब सेटअप ओवर हियर ऑन दी एम्पियर जील। बट इसके बारे में मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इतने प्राइस में आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दी वर्ल्ड ऑफ EVs। नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन फाइबर टेक्स्चर दिया गया है ऑन दिस प्लास्टिक पैनल, इट लुक्स क्वाइट नाइस, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। और यहाँ पे आप रिम्स देखोगे तो मशीन फिनिश दिया गया है आपको, दीज आर नॉट रियली एलॉय व्हील्स। आपको जो मोटर मिलता है ऑन दिस एम्पियर जील ईवी, इट इज मेकिंग यूज ओवर हियर ऑन दीज एरियाज इन द व्हील, इन द रेयर व्हील, सो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन डिजाइंड लाइक दैट। सस्पेंशन आप देखोगे इस स्कूटर पे आपको दोनों तरफ एक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, यू हैव शॉक एब्जॉर्बर्स ओवर हियर, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो जस्ट टू मेक इट यू नो मोर सॉफ्टर और स्टिफर डिपेंडिंग ऑन आपकी जो भी राइडिंग रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दिस एम्पियर जील ईवी। इसके बाद आते हैं हैंडल बार की तरफ, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको एक फुल डिजिटल क्लस्टर दिया गया है एंड चेक दिस आउट, ये रेडी लाइट आपको दिखाई देगी जब भी आप स्कूटर शुरू कर देते हो, सो दिस इंडिकेट्स कि स्कूटर जो है वो शुरू हो चुकी है एंड इट इज़ गुड टू गो।
फुल डिजिटल रीडआउट मिलता है आपको, डिजिटल स्पीडोमीटर, बैटरी वोल्टेज का इंडिकेटर दिया गया है एंड यू हैव अ स्टैंडर्ड ओडोमीटर। ट्रिप मीटर्स आपको नहीं मिलते हैं और इसके अलावा आपको जो राइडिंग रेंज है ये सारे फंक्शंस यहाँ पे इस स्कूटर पे नहीं दिखाए गए हैं। सो आई थिंक दैट कुड हैव बीन एडेड। तो ये एक स्कूटर जो है एक प्रॉपर पैकेज आपको मिल जाता जस्ट फॉर योर पीस ऑफ माइंड जब आप इसे लेके निकल जाते हो टू राइड ऑन योर डेली ड्राइव एंड जर्नी। इसके बाद जो इसकी ये स्पीडोमीटर क्लस्टर के ऊपर का प्लास्टिक है दिस इज़ अ लिटिल फेडेड, तो इसकी वजह से जो व्यू मिलता है, जो विजिबिलिटी है वो इतनी ग्रेट नहीं है। सो आई थिंक दैट प्लास्टिक कुड हैव बीन बेटर ओवर हियर ऑन द एम्पियर ज़ील ईवी। इसके बाद जब आप पास आके देखोगे तो आपको दो कबी होल्स दिए गए हैं ओवर हियर अंडर द हैंडल बार, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे तो आप लिटरली 1 लीटर की एक बॉटल भी कैरी कर सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्वीनियंट जब आप ये स्कूटर लेके निकल जाते हो ऑन योर डेली राइड। अब यहाँ पे पास आके आप देखोगे तो ये जो आपको स्विच गियर दिया गया है इसकी ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी इज डिसेंट, ग्रेट नहीं है बट काम चलाने लायक है, बट श्योरली इट कुड हैव बीन बेटर। तो यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हो आप, दिस मूव्स अ लिटिल, दिस कुड हैव बीन बोल्टेड इन प्लेस वेरी नाइसली एंड मोर नीटली। ये जो बटन्स आप देख रहे हो L एंड H, L इज़ फॉर लो स्पीड, H इज़ फॉर हाई स्पीड। इसके लिए जो हमने राइड वीडियो अपलोड किया है डू चेक दैट आउट, तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ दिस परफॉर्म्स। L मोड पे स्कूटर की स्पीड जो है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर पर आवर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और जब H मोड पे चलाते हो तो लगभग 55 की स्पीड आप अचीव कर सकते हो ऑन दिस एम्पियर ज़ील इलेक्ट्रिक स्कूटर। आफ्टर दैट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज बैटरी कहाँ पे है। तो व्हेन यू पॉप दिस सीट, जो बाय द वे इस की होल से ही आप पॉप ओपन कर सकते हो, सो ऑल यू हैव टू डू इज ट्विस्ट इट टू द लेफ्ट और सीट ओपन हो जाएगी। अभी सीट के नीचे देखिए काफ़ी जगह है। आई हैव केप्ट माई कैमरा इक्विपमेंट, देयर इज़ अ 1 लीटर वाटर बॉटल, मैंने मेरा वॉलेट, मेरे सनग्लासेस के कवर और काफ़ी सारा पेपर वर्क भी यहाँ पे रखा हुआ है। सीट के नीचे ये जो एरिया है इसे जब आप पॉप ओपन करोगे यहाँ पे है इस एम्पियर ज़ील की बैटरी, तो इसे आप पूरी तरीके से निकाल भी सकते हो। ऑल यू हैव टू डू फॉर दैट इज पहले तो ये MCB स्विच जो है इसे ऑफ कर दीजिए, ग्रीन विल इंडिकेट दैट यू आर गुड टू गो। आफ्टर दिस आपको ये प्लग निकालना है एंड देन यू कैन सिंपली रिमूव द बैटरी फ्रॉम योर। काफ़ी आसान है लेकिन ये हैवी भी है, तो अगर आपके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस वज़न को भी अकाउंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये घर पे लेके जानी है टू चार्ज दिस इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू 13 kgs अलॉन्ग विद द चार्जिंग केबल एंड बॉक्स विच यू गेट विद दिस। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेल इक्विप्ड टू कैरी दैट एक्स्ट्रा वेट ऑफ दिस एम्पियर ज़ील ईवी बैटरी। सो दैट्स अबाउट इट इन द डिज़ाइन डिपार्टमेंट। अब मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ स्कूटर पे। ये देखिए आई एम 5 feet 8 inches इन हाइट और मेरे दोनों ही पैर फ्लैट ऑन द ग्राउंड है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। स्कूटर जो है वो काफ़ी हल्की है, 78 kgs के आसपास का इसका वेट है। 80 kg के नीचे का वेट जो है आपको काफ़ी आसान लगने वाला है, काफ़ी हल्का लगने वाला है टू मूव बिटवीन योर लेग्स। स्कूटर जो है कंपेयर टू कन्वेंशनल स्कूटर्स लगभग 30 किलोग्राम हल्की है और ये आप ज़रूर नोटिस करोगे जब आप स्कूटर पर बैठते हो। चेक दिस आउट फॉर माई हाइट, इस तरीके से आप बैठोगे, टिपिकल अपराइट स्कूटर पोजिशन। और जब मैं हैंडल बार टर्न करता हूँ ये देखिए ये पैर के थोड़ा करीब तो ज़रूर आ जाता है बट देन यू आर गोइंग टू गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि टर्न मारते वक्त इतना शार्प जब आप टर्न लेते हो तब योर फीट इज गोइंग टू बी ऑन द ग्राउंड क्लोज टू द फ्लोर जस्ट फॉर यू नो एडेड सपोर्ट इन केस यू आर गोइंग टू स्लो डाउन अ लॉट। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 feet से ज़्यादा है तो ये एरिया जो है आपकी टांगे जो है वो काफ़ी ऊपर होंगी क्लोज टू द हैंडल बार एंड मे बी दैट माइट कॉज सम डिस्कम्फर्ट, लेकिन उस सिचुएशन में आप पीछे सरक के बैठ सकते हो बट देन देर इज गोइंग टू बी वेरी लेस रूम फॉर द पिलियन ओवर हियर। ओवरऑल सीट कंपाउंड काफ़ी डिसेंट है एंड इट इज़ नाइस एंड सॉफ्ट, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस एम्पियर ज़ील ईवी। सामने से जब आप आके देखोगे स्कूटर के यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट यू आर राइडिंग समथिंग वेरी टाइनी एंड समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी रिडन वेरी स्लोली ऑन द हाईवे। तो दिखती एक टिपिकल स्कूटर के जैसे ही है एंड दिखने में कोई भी कमी नहीं है ऑन दिस एम्पियर ज़ील ईवी। तो कमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट दिस स्कूटर, क्या आप ये खरीदना पसंद करोगे? 67,000 की प्राइस टैग क्या आपको जस्टिफाइड लगती है? क्या इससे ज़्यादा फीचर आप इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे थे? राइड वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें आपको सारी ही बातें समझ में आ जाएंगी कैसे परफॉर्म करती है ये ज़ील ईवी एंड इफ यू शुड बाय दिस फॉर योर सिटी रन्स, योर सिटी कम्यूट्स। गुड बाय, राइड सेफ, सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को एंड आई विल सी यू सून।